नील, आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? ये कोई मजाक नहीं है सरू, यही सच है। अगर आज तुम जिंदा और सही सलामत हो तो सिर्फ नील की वजह से। पिछले 3 महीने तुम नील के साथ उसे घर पर थी। अगर नील चाहता तो मैं फिर से कभी एक नहीं होने देता। चाहता तो मैं हमेशा के लिए हमसे दूर कर देता। इसने वही किया तो सलोनी का एक दोस्त कर सकता है। सलोनी, तुम्हारा बचपन का दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा है, पटका हुआ नहीं। मुझे माफ कर दो नील, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम अपनी दोस्ती निभाते रहे और मैं तुम्हें ही गलत समझ बैठी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं नील, आज तुम्हारी वजह से मेरे नहर मुझे वापस मिल गए। नहीं सलोनी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज इस बेमानी जिंदगी को नए मायने मिल गए। दोस्ती क्या होती है, कैसे निभाई जाती है, ये तुमने मुझे सिखाया सलोनी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। आज मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। सलोनी, कुछ और भी है जो नील ने तुम्हें छुपा के रखा। निशी, डॉक्टर? सिर्फ डॉक्टर नहीं, तुम्हारे दोस्त नील की होने वाली लाइफ पार्टनर भी। नहीं जानते कि आप कैसे मिले, लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपको अपनी डॉक्टरी का पूरा ज्ञान इस नील पर लगाना होगा। बहुत बड़ा पागल है ये। सलोनी, और क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ बोल गई मैं। दरअसल सबसे बड़ी पागल तो आप होंगी जो इस नील से शादी करने के लिए तैयार हो गई। आज हम सब मेले में गए थे, बहुत मजा आया, लेकिन इतना नहीं जितना आपके साथ आता था। मैंने आपको बहुत मिस किया, आज ही नहीं, मुझे तो आपकी याद हमेशा आती है। आप जब से गए हो मुझे ड्राइंग में एक ग्रेड मिला ही नहीं, और म्यूजिक कंपटीशन में भी मैं सेकंड आया, फर्स्ट नहीं। कैसे आता? मुझे नया गाना सिखाने वाली और मेरी गलतियां ठीक करने वाली आप तो यहाँ हो ही नहीं। मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई भगवान जी के पास। वैसे वृंदा मम्मी तो है मेरे पास, लेकिन आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। कहते हैं जो बच्चा अच्छे से प्रार्थना करता है तो भगवान जी उनकी सारी विश पूरी करते हैं। भगवान जी मेरी विश क्यों नहीं पूरी कर रहे? लौट आइए ना प्लीज। Oh.
किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं नहीं? तुमने मेरे लिए जो किया, जो सहा है, कैसे चुकाऊंगी तुम्हारा ये कर्ज? तुम्हारी दोस्ती मुझे वापस मिले और मुझे क्या चाहिए? अगर सलोनी, मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया। मेरा मतलब है कि अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरों के वचन जो तुमने नाहर को दिए थे, वो एक एक करके तुमने तोड़ दिए। तुम्हारे लिए तो शादी एक पवित्र बंधन है, एक अटूट रिश्ता है। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों? मैं मजबूर थी। ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए नाहर, बहुत तकलीफें दी मैंने आपको, बहुत दिल दुखाया आपका। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सलोनी। तुम्हारी सारी गलतियां उसे एक एहसान के आगे कुछ भी नहीं है जो तुमने हम पर किया है। तुम्हारे बच्चे को जिंदा रखने का एहसान। वैसे जानना तो मैं भी चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने तुमसे इतनी सारी गलतियां करवाई। सलोनी, क्या हुआ था? इस मजबूरी का नाम जी जी सारी साजिश चीजी की रची हुई थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो औरत इतनी गिर सकती है। हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल करती रही और तुम चुपचाप सब कुछ सहती रही। क्यों सलोनी, किस लिए? भाई सा और भाभी सा के लिए। अपने जिस बच्चे को खो देने के गम में वो हर रोज तड़पते थे, मैं उन्हें उनके उसी बच्चे से मिलवाना चाहती थी और इसलिए जीजे के हाथों की कठपुतली बनती रही। जीजे जानती थी कि आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं और चाहे जो हो जाए आप मुझे अपने आप से अलग नहीं करेंगे। जब मैंने जीजे से पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती थी, तब उनका जवाब था, हमें ब्रिजेश की जिंदगी और उस घर से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो सलोनी। तुम्हें क्या लगता है हम सब कुछ भूल गए? कुछ भी नहीं भूले हम सलोनी, क्योंकि उस इंसल्ट को भूलना पॉसिबल ही नहीं था। हम सिर्फ एक मौके की तलाश में थे, इसलिए उस घर से दूर रहकर भी उस घर में होने वाली एक एक एक्टिविटी के बारे में हमें पता है। और आज इत्तेफाक देखो, आज तो ये भी पता चल गया कि तुम उस खानदान को एक वारिस देने वाली हो। But don't mind सलोनी, उस खानदान को अगर कोई वारिस मिलेगा तो वो सिर्फ हमारा बच्चा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अग्नि परीक्षा, एक अग्नि परीक्षा से तुम्हें गुजरना होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। गुड, तुमसे यही उम्मीद भी थी हमें। सलोनी, अगर तुम ब्रिजेश का बच्चा वापस चाहती हो तो तुम्हें नहार और उसकी फैमिली से सारे नाते तोड़ने होंगे। मुझे मंजूर है। तो ठीक है, याद रखना कि अब ब्रिजेश का बेटा उस घर में तभी वापस जाएगा जब तुम उस घर से बाहर निकलोगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि घर वाले तो तुम्हारे भक्त हैं सलोनी। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है माय डियर कि तुम उनके दिल में अपने लिए कितनी नफरत पैदा करती हो। इतनी नफरत कि वो तुम्हारा नाम तक सुनने के लिए तैयार ना हो। तुमने
सात फेरे लेते वक्त सात वचन लिए थे। सलोनी डोंट माइंड, लेकिन अब एक एक करके तुम्हें वो सातों वचन तोड़ने होंगे। बच्चे को पाने के लिए उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, और मजबूरन मुझे उनके दिखाए रास्ते पर अपना पहला कदम रखना पड़ा। अपना पहला वचन तोड़ दिया मैंने। तुम ही कहती थी ना, लड़कियां जब अपना ससुराल जाती हैं तो उनके मन में कई सपनों के साथ साथ कुछ वचन भी होते हैं। ये सब बातें किताबों के लिए होती है, जिंदगी के लिए नहीं। तो इसका मतलब तुम्हें ये भी याद नहीं कि साथ फेले वक्त हमने कुछ वचन लिए थे कि हम जिंदगी भर धर्म और नैतिकता का पालन करेंगे, कभी भी किसी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे। क्यों? मेरा कौन सा तरीका गलत लग रहा है आपको? मैंने कोई चोरी तो नहीं की? और क्या याद दिलाना चाहते हैं आप मुझे? वो वचन जो शादी के समय हर किसी को दोहराने पड़ते हैं, जरूरी तो नहीं कि उनका पालन भी करना पड़ेगा? ये वचन वगैरह सिर्फ शादी के मंडप में ही ठीक लगते हैं, असल जीवन में नहीं। इसका मतलब तुम्हारे लिए उनके कोई मायने नहीं? यही समझ लीजिए कि आज मैंने सात फेरों का एक वचन तोड़ दिया। उस पहले वचन के टूटने से जितनी तकलीफ आपको हुई थी, उससे कहीं ज्यादा दर्द से मैं गुजर रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि एक बार जीजी के बताए राह पर मैंने कदम रख दिया तो मेरे आगे की राह आसान हो गई। हर वचन का टूटना मेरे लिए एक नई मौत थी। हर मौत पिछली मौत से कहीं ज्यादा दर्द था। इस काले टीके से ना तेरे और तेरे होने वाली बच्ची को। कल तो आप मुझे बड़ी नसीहत दे रहे थे कि मेरे पैसे कमाने का तरीका अच्छा नहीं, और आज उसी गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को हाथ लगा लेंगे। आपको अगर वो तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारे अपने हैं, तो हम लोग कौन हैं? आप सब मेरे पति के रिश्तेदार हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए आप में कि सारी दुनिया से कह सके, हाँ मेरी पत्नी अभी बच्चे को जन्म देकर अपने सुनहरे भविष्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहती। हर बार मेरी यही कोशिश रहती थी कि आप लोग मुझसे इतनी नफरत करें कि मुझे घर से निकाल दें, लेकिन आप लोगों का प्यार मेरी कोशिश ऊपर भारी पड़ता क्या? मेरी हालत तो ऐसी थी कि ना तो मैं आपको सच्चाई बता सकती थी और ना ही रो सकती थी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बेरुखी की वजह क्या है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी कामयाबी के बीच दीवार बन के खड़ा हूं, आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं, उसे दूर जाना चाहती हूं। मैं इसी राह पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करता मिलूंगा। जब मेरी हर कोशिश नाकाम रही, तब हार कर मैंने आप सबके सामने अपने बच्चे के बारे में झूठ कहा। नहीं जानती अपने घर में सांसें ले रही जिंदगी की मौत की झूठी खबर देना मेरे लिए कितना मुश्किल था। आज मैंने मेरी और मेरी कामयाबी के बीच आने वाली वजह को ही जड़ से मिटा दिया है। मैंने अपना एबॉर्शन करवा लिया है।
सबसे अजीब लम्हा था। एक तरफ आपसे अपने घर वालों से बिछड़ने का दुख था, तो दूसरी तरफ मेरी तपस्या रंग लाती नजर आ रही थी। जो घर अपने वारिस के दीदार को मोहताज था, वो घर बच्चे की किलकारियों से गुजरने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी सारी तपस्या जीजी के साजिशों की परी चढ़ गई थी। धोखा दिया उसने मुझे। मैं सब कुछ सुधारना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपना सब कुछ खो चुकी थी मैं। सात पैरों के सात वजनों को तोड़ने का गुनाह किया मैंने। मेरे इस गुनाह के लिए आप जो सजा देना चाहें, मुझे स्वीकार है। तुम कहती हो कि तुमने सात वचनों को तोड़ा है, और मैं कहता हूं कि तुमने सही मायनों में एक बहता के हर वचन को निभाया। मैं अपने परिवार के लिए अपनी सारी खुशियों को दांव पर लगा देना आसान बात नहीं है। देखना, तुम्हारी यह कुर्बानी सारी दुनिया याद रखेगी। हमारा बच्चा जिंदा है तुम्हारे अंदर। तुमने पाप नहीं तपस्या की, मैं घर के चिराग को रोशन करने के लिए तुमने अपनी जिंदगी में अंधेरा कर लिया। तुम सजा के नहीं, प्यार के काबिल। मैं भगवान से हमेशा शिकायत करता रहा कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया, क्यों मुझसे मेरी पत्नी और मेरा बच्चा छीन लिया। लेकिन मैं कितना गलत था कि भगवान के फैसले पर शक कर बैठा, तुम पर शक कर बैठा सब। जबकि आज मेरी पत्नी मेरे साथ, मेरा बच्चा सुरक्षित है। सुनिए, आज भगवान में मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम एमनेजिया की शिकार कैसे हुई और यहां कैसे पहुंची। मैं अदिति भाईसा से मिली और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। हम लौट रहे थे, जाने कैसे हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और अदिति भाईसा की हालत अब कैसी है। वो जीजी के साथ जानती थी, कैसे हुआ एक्सीडेंट पता नहीं। हम तो लौट रहे थे। क्या हुआ भाईसा? लगता है ब्रेक फेल हो गया। भाईसा संभाल के।
वो एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था सलोनी। जीजी ये जान चुकी थी कि अदिति जी जैसा हमें सारी हकीकत बता देंगे, इसलिए उन्होंने वो एक्सीडेंट करवाया जिसने मेरी बहन को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया।